हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मिलते हैं एक बार फिर दूसरे वीडियो के अंदर में। आप लोगों को मैंने कुछ मोल कॉन्सेप्ट के बारे में सिखाया था और वहीं से अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में कितनी इंटरेस्टिंग बात हुई। एक फार्मूला नहीं सीखा, लेकिन फिर भी RPMT, AIEEE या फिर एम्स जैसे आप लोगों जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आप लोग करने की कैपेसिटी आ गई आप लोगों के अंदर में। तो आज इसी चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो देखिए, आज अपन लोग जो यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एटॉमिक मास। अब जरा इसके बारे में जानते हैं भाई, एटॉमिक मास क्या होता है। सर, ये कोई टॉपिक थोड़ी है, NCERT में तो लिखा हुआ है, लेकिन आज अपन अब ये जानेंगे कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और हम लोग एज ए स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं, है ना। तो देखो, नाम में ही क्लियर है इसका अगर हिंदी में मतलब निकाले तो क्या मतलब है इसका। इसका हिंदी में मतलब है भाई परमाणु भार, है ना। तो आसान भाषा में बोलो तो क्या बोलोगे, एक परमाणु का जो भार होता है वही एटॉमिक मास होता है, यही तो बोलोगे। तो देखो, इसके डेफिनेशन लिख देता हूं। डेफिनेशन क्या होती है भाई, मास ऑफ वन एटम ऑफ सब्सटेंस। अलग अलग सब्सटेंस हो सकते हैं, ये हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इसी तरह से एक एटम जो किसी भी सब्सटेंस का, एक एटम का जो मास होता है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर एटॉमिक मास बोलते हैं। एक चीज अभी बता देता हूँ बच्चों कि यहाँ पर ये जो एटॉमिक मास है वो अपन किस में एक्सप्रेस करते हैं, एटॉमिक मास एक्सप्रेस करते हैं AMU के अंदर में। AMU मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। एटॉमिक मास यूनिट जो है वो होती है यहां पर। तो देखते हैं जरा एटॉमिक मास यूनिट, पहले तो मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं यहां पर। और एक चीज मैं आप लोगों की जानकारी के लिए यहां पर पहले ही बता दूं कि यहां पर मैंने लिखा है कि इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, हमेशा एक्सप्रेस करते हैं। मतलब एक परमाणु का जो मास है, एक परमाणु का जो भार है, वो अपन हमेशा AMU में ही लिखेंगे, ग्राम्स किलोग्राम्स में कभी नहीं लिखेंगे। हाँ, कन्वर्जन पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन अपन लोग करेंगे, लेकिन अपन लोग इसको याद रखने के लिए हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि AMU के टर्म्स में लिखते हैं। तो अब देखो, एटॉमिक मास से क्वेश्चन नहीं बनता है, एटॉमिक मास में जो अपना अगला टॉपिक निकल के आया वहां से क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, एटॉमिक मास यूनिट AMU से क्वेश्चन बनता है कि भाई ये क्या है। तो अब देखो, इसकी डेफिनेशन बार बार बताने से क्या है, एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है वो अपन एटॉमिक मास यूनिट AMU में कवर करते हैं, है ना। तो देखो, मास ऑफ वन एटम ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट, ये इसका डेफिनेशन होता है, है ना। तो अब देखो, इसको अपन लोग कैसे लिख सकते हैं। तो अब एक बार जरा समझो कि भाई अपन लोग इसको कैसा, इसकी वैल्यू कहां से निकालेंगे, कहां से आएगा, वो एक बार चेक करते हैं। तो देखिए, वन मोल ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस ले लो, मान लेते हैं मैंने एक बार के लिए एग्जाम्पल के लिए ले लिया सोडियम, ताकि अपन को समझ में भी आ जाए, है ना। तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे भाई, 6.022 × 10^23 पार्टिकल्स होंगे। अब जरा सोचना है यहां पर कि ये जो सोडियम है ये क्या है, एटम ही तो है, तो पार्टिकल्स की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एटम्स लिखना पड़ेगा। तो अब जरा समझो, इस स्टेटमेंट से ही आंसर निकल के आएगा, 6.022 × 10^23 एटम्स, सोडियम के एटम्स का मास कितना है, सॉरी सोडियम के एटम्स में कितने मोल प्रेजेंट है, एक मोल प्रेजेंट है, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि भाई इसके अंदर में इसका मास कैसे निकाला जाए, कहां से इसको अपन यूनिट बनाए। तो अब देखो, इसे कैसे पता चलता है। तो अब मेरे को इतने सारे पार्टिकल्स का, इतने सारे एटम्स का नहीं चाहिए, एक एटम का चाहिए। तो देखो, वन एटम ऑफ सोडियम, तो बताओ उसमें कितने होंगे। तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, वन एटम के लिए यही तो बोलोगे, तो वन मोल, ये तो एक नंबर है, और ये क्या है, इसको अपन लोग बोलते हैं, है ना, एवोगैड्रो नंबर, है ना। 6.022 × 10^23 ये चीज अपन जानते हैं, एवोगैड्रो नंबर है ये, 6.022 × 10^23। इसी से अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो, शॉर्टकट क्या निकल के आ गया, शॉर्टकट निकल के आ गया ऊपर तो 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा,
Na. तो याद रखना 1 AMU. अब देखो यहाँ पर ये कहाँ से आया, ये एक आपने पहला फॉर्मूला पढ़ा है इस चैप्टर में. तो देखो वन एटम का जो मास होता है उसे AMU से रिप्रेजेंट करते हैं. अपन ने यही पढ़ा था अभी. किसी का भी हो, कोई जरूरी नहीं है सोडियम का होगा, किसी का भी हो उसके वन एटम का जो मास होगा उसे अपन AMU से रिप्रेजेंट करते हैं. और वन AMU किसके इक्वल हो जाता है, 1/Na के इक्वल हो जाता है. अब Na की तो वैल्यू अपन को पता ही है ना. इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.667 into 10^-24 ग्राम्स. याद रखना ये वैल्यूज आप लोग को स्पेशली ध्यान रखनी है. -23 नहीं है, -24 ग्राम्स अपने पास में लिखा हुआ है. तो 1 AMU का वैल्यू कितना होता है ये अपन को समझ में आ गया. ठीक, दूसरा 1 AMU का दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, 1/Na, ये अपन को पता होना चाहिए. क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर, ये तो जाने कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है. तो चलिए अगला पार्ट शुरू करते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है. ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं अपन. देखो एलिमेंट और इधर लिख दिया एटॉमिक मास और उसके ब्रैकेट में लिख दिया इसका यूनिट क्या होना चाहिए, AMU ही होना चाहिए. तो देखिए जरा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनके बारे में क्लास 9-10 में अपन ने पढ़ा है. एक बार उसको रिवाइज भी कर लेते हैं, है ना. तो आपने क्या पढ़ा है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 AMU होता है ना. हीलियम का कितना होता है, 4 AMU होता है. लिथियम का होता है 7, बेरिलियम का होता है 9, बोरोन का होता है 11, कार्बन का होता है 12. अब कन्फ्यूज मत हो ना, कार्बन का 14 भी होता है, लेकिन अपन लोगों को अगर इसका अब एक बात बताओ, जैसे मैं कहता हूँ ये जी एक कार्बन है, एक बताओ ये कार्बन 12 है कि कार्बन 14 है. तो अपन लोगों को जब ये नहीं पता तो अपन लोग हमेशा इसका एक एवरेज मास ले लेंगे और वो कितना होगा यहाँ पर, 12 होगा यहाँ पर, 12 AMU. ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, फ्लोरीन का होता है 19 और नियॉन का होता है 20. ठीक, इसी तरह से और एलिमेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम. ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना होना चाहिए सोडियम का, सोडियम का होना चाहिए 23 AMU. ठीक, मैग्नीशियम का होना चाहिए 24, एल्यूमिनियम का होना चाहिए 27, सिलिकॉन का होना चाहिए 28, फॉस्फोरस का होना चाहिए 31, सल्फर का होना चाहिए 32, क्लोरीन का होना चाहिए 35.5, ऑर्गन का जो है वो होना चाहिए 40, पोटेशियम का होना चाहिए 39 और कैल्शियम का भी होना चाहिए 40. एक चीज़ कन्फ्यूजन नहीं रखना है सर, किसी का कम किसी का ज़्यादा, क्यों, हम लोग यहाँ पर पीरियोडिक टेबल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं. तो फिलहाल अपन लोग इसी पे डिस्कस करेंगे कि सर कम ज़्यादा कैसे आया, क्या है, ये आपको याद रखना है. ठीक है, देखो कुछ और एलिमेंट्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ जिनके बारे में पूछा जाता है. जैसे मैग्नीज याद रख लीजिए 55 होता है, 55 AMU. ठीक है, अच्छा और आप देखेंगे यहाँ पर तो कॉपर का आप लोग लिख सकते हैं. ठीक है, यह अपन लोग को याद रखना है यहाँ पर. तो ठीक है, फिलहाल आप लोग इतना ही याद रखिए, जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे अपन आगे डिस्कस करते जाएंगे. देखिए ये चीज़ तो अपने पास आ गई, तो अब उनको AMU तो पता चल गया कि भाई जब भी पूछेंगे तो AMU होना चाहिए. लेकिन अब देखो अगला जो टॉपिक है जहाँ से एग्जामिनर आपको फंसाता है वो अगला टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास. आप जरा समझो, अब एटॉमिक मास डिस्कस नहीं हो रहा है, अब ग्राम एटॉमिक मास डिस्कस हो रहा है. क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है कि भाई एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ऐसा एटॉमिक मास जो ग्राम्स में एक्सप्लेन होता हो, ऐसा परमाणु भार जिसे ग्राम में अपन लोग बताते हो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास. और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, GaM.
इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, GAM होता है ना। अब देखो इस तरीके का डेटा आ जाए, अब यहां पर जो है अपने पास में वो किससे रिलेटेड है, आप जरा ढंग से समझिए किससे रिलेटेड है, एक एटम से रिलेटेड है। और यहां पर अगर ग्राम आ गया तो इसका मतलब हो गया कि वो एक एटम से तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक एटम का मास तो AMU में लिखना है अपन को। तो जब भी ग्राम में बात करेगा तो याद रखिएगा ये हमेशा किसके लिए होता है, फॉर वन मोल ऑफ सब्सटेंस, याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम एटॉमिक मास से कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आप लोगों को, बस ग्राम में लिखना है, लेकिन किसका, एक मोल का मास लिखना है, याद रखना इस चीज को। यहां तक अपन ने जो ये डेटा डिस्कस किया ये किसका है, ये एक एटम फास्फोरस का है, यहां पे मैंने जो डिस्कस किया वो किसका है, एक एटम सल्फर का मास है ये, ठीक है, एक मोल का मास नहीं है ये, एक एटम सल्फर का मास है, ये बात तो अपन को समझ में आती है बच्चों, है ना। तो देखो अब बस अपन को इसको तो ग्राम एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करें ये भी एक बार देख लेते हैं और फिर अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों शुरू करते हैं अपन लोग, है ना, ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहे थे, वापस से शुरू करते हैं, एलिमेंट यहां पे लिख देते हैं ग्राम एटॉमिक मास, और आप सब जानते हैं कि वो किस में लिखना है अपन लोगों को, ग्राम्स में लिखना है। तो देखो अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का GM कितना होता है, ग्राम एटॉमिक मास, वो भी कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है, लेकिन अब यूनिट बदल गई है, यहां पर क्या हो जाएगा, 1 ग्राम। अब कई लोगों को भी कंफ्यूजन हो रही होगी कि यार ये सर चल क्या रहा है, ये तो अभी हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि वैल्यू वही है। देखो वैल्यू अभी भी वही है, मैं अगर आपको अब हीलियम की बात करूंगा तो यहां पर मैंने आपको अभी 4 बताया था, है ना, यहां पे मैंने लिख दिया 4 ग्राम्स, ठीक है। अब मैं आपको यहां पे बोल रहा हूं लिथियम, तो मैंने यहां पे लिख दिया 7 ग्राम्स। मैंने यहां पे बोला जी बेरिलियम और मैंने यहां पे लिख दिया 9 ग्राम्स, ठीक है, बोरोन लिख के मैंने यहां पे लिख दिया 11 ग्राम्स। तो एक बात बताओ, पहले आप सेम नंबर लिख रहे थे वो AMU के साथ लिख रहे थे, अब यहां पर नंबर डिजिट अभी भी सेम ही आ रहा है बट यूनिट बदल दी है। तो देखो इसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि बेरिलियम का जो मास है वो 11 ग्राम्स है तो इसका मतलब हो गया कि वो बेरिलियम के, सॉरी गलत बोल रहा हूं, बोरोन के एक मोल का मास दे रखा है। लेकिन अगर आपको ऐसा बोला जाए कि बोरोन का जो मास है वो 11 AMU है तो इसका क्या मतलब हुआ, एक एटम का मास दे रखा है आप लोगों को। तो ये चीज आपको फिर बोल रहा हूं कि ये जो जब भी आप GAM की बात करेंगे वो किसके लिए डिफाइन किया जाता है, वो 1 मोल के लिए डिफाइन किया जाता है। तो किसी भी एटम का GAM हमेशा और हमेशा एक मोल के लिए ही डिफाइन किया जाएगा, नंबर वही रहेंगे, नंबर को अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, नंबर तो आपको याद ही है ना, बस उसकी यूनिट का स्पेशली ध्यान रखना है। AMU आ गया तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, और अगर AMU नहीं आके ग्राम आया है तो इसका, अगर वो लिखा है कि वो GAM है, ग्राम एटॉमिक मास है, तो वो कितने मोल का मास हो गया, 1 मोल का मास आपको गिवन है, राइट। बात समझ में आया आप लोगों को, यहां पर देखिए एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहां पर कुछ फॉर्मूलाज बता रहा हूं, एक फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूं और दूसरे फॉर्मूलाज बताता हूं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। आजकल इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको बोल देंगे 20 ग्राम हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन एटम में 20 ग्राम हाइड्रोजन एटम में नंबर ऑफ ग्राम एटम्स काउंट करो। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, भाई 20 ग्राम हाइड्रोजन में नंबर ऑफ ग्राम एटम्स काउंट करो, तो एक चीज बता देता हूं कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का क्या मतलब होता है ना, तो इस टर्म का मतलब होता है मोल्स, है ना। अब अभी अपन एटम की बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद अपन पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में, तब मॉलिक्यूल की बात करेंगे यहां पर, है ना। तो अभी ग्राम एटम्स की बात करें तो ये नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है भाई, फॉर्मूला है इसका, गिवन मास जो भी अपन को क्वेश्चन में गिवन था, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, राइट। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स का अपन ने शॉर्टकट क्या निकाल सकते हैं, इसको अपन कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। जो भी अपन को मास गिवन होगा वो किस में गिवन होगा, स्मॉल डब्ल्यू में गिवन होगा, और ग्राम एटॉमिक मास किसका मास होता है जी, एक मोल का मास होता है। तो एक मोल के मास को अपन क्या बोल सकते हैं, परमाणु भार, है ना, मतलब GM। तो इसको अपन सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना एक और
फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, शायद मुझे लगता है आप लोगों ने इसको पढ़ा है, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय एटॉमिक मास, बट एटॉमिक मास नहीं होता है, ध्यान रखना, ग्राम एटॉमिक मास होता है। और देखो मोल कॉन्सेप्ट में तो ये चीज़ अपन को अच्छे से जाननी है, बाकी तो आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तब हमेशा आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं, जीएमयू यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एएमयू क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, तो ये चीज़ अपन को सीखनी है, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बताया। ये हो गया अपना दूसरा फार्मूला। अब एक फार्मूला और मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कभी आपको कैलकुलेट करने हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन टू एन ए, ये किसका फॉर्मूला होता है। अब ये कहाँ से आया, ये कैसे है, ये एक बार अपन अब देख लेते हैं कि ये कहाँ से आया, है ना। देखो ये कहाँ से आया, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मतलब क्या, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ही तो है। तो अब देखो अपन लोग क्या जानते हैं, एक मोल में कितने पार्टिकल्स, 6.022 × 10^23, यही तो होते, ये तो होते एक मोल के अंदर में, ठीक। अब मैंने कहा जी मेरे पास पांच मोल कोई आइटम आ गया, मान लीजिए पांच मोल सोडियम आ गया मेरे पास, तो पांच मोल सोडियम में कितने आइटम्स होंगे। अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, पार्टिकल्स मतलब क्या क्या अपन लोगों ने सीखा है ना, ये आइटम भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ये आयंस भी हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, सीखा है ऐसा हम लोगों ने। तो भाई नंबर ऑफ एटम्स पूछे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, तो इसका क्या फॉर्मूला निकल गया, एक मोल में कितने होते हैं, एन ए होते हैं, पांच मोल में कितने होंगे, पांच इंटू एन ए होंगे, दस मोल में कितने होंगे, दस इंटू एन ए होंगे। तो अपन लोगों ने अभी मिला के टोटल मिला के तीन फॉर्मूले सीखे, और ये चीज ध्यान रखना ग्राम एटम्स को ही मोल्स बोलते हैं, इसमें गड़बड़ मत करना। आई थिंक थ्योरी समझ में आ गई आप लोगों को, तब कुछ क्वेश्चंस किए जाए, क्वेश्चंस करते हैं, तब तक आप ये तीन फॉर्मूला, एक दो और एक फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूँ, ये तीनों फॉर्मूला एक बार अपनी कॉपी में लिख लीजिए ताकि क्वेश्चंस करना अपन लोगों के लिए आसान हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है देखो, पहले ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूं, फिर उसके बाद आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चंस दूंगा। देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। वापस से देखो, ग्राम एटम्स में क्वेश्चन पूछा तो हमको पता चल गया कि यहाँ पर क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। एक ट्रिक बताता हूँ मोल कॉन्सेप्ट सॉल्व करने की, वो ये है कि अगर आपको कहीं भी फंस जाए आप, तो सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, ये सबसे आसान तरीका होता है। मोल्स कैलकुलेट करने के बाद आप दुनिया जहान की चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक आपसे पूछ ले मोल के अंदर में, है ना। तो सबसे पहले अपन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अब देखो सोडियम का अपन को मालूम ही है, 23 AMU पढ़ा था, किसके लिए पढ़ा था, एक सोडियम एटम के लिए, लेकिन अब अपन को एक के लिए तो नहीं करना, अपन को तो ग्राम में बताना है, मतलब एक मोल के लिए बताना है ना। तो देखिए ये हो गया अपना 23 ग्राम्स, ठीक, अपन को गिवन मास कितना है 115 ग्राम्स, तो अपने पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 5 मोल्स आ गए। हाँ जी, एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, ठीक। दूसरा क्या पूछा है आप लोगों से, नंबर ऑफ एटम्स, ये बिल्कुल वैसे ही होगा क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या फॉर्मूला है भाई, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन ए, यही तो सीखा अपन लोगों ने, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने फाइंड आउट हुए, 5 एन ए, तो ये क्या हो गए, ठीक है। या तो एग्जामिनर आपसे ऐसा पूछेगा, या फिर एग्जामिनर ये कह सकता है जी नहीं हमें तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, तो देखो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे,
5 इंटू 6 इंटू 10 एस टू पावर 23। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये डेटा आ जाएगा 3 इंटू 10 एस टू पावर 24 एटम्स ऑफ। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो देखो कितना आसान सा पार्ट था, लेकिन अब इनको सॉल्व करने के लिए अपन को क्या चाहिए, कुछ फार्मूलाज याद करने, वो अपन को यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आगे क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने हैं। देखो स्टूडेंट्स, आप लोग के सामने क्वेश्चन मैंने सामने लिखे हैं, एक बार देख लेते हैं कैसे करना है। 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इसमें आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद एक बार आप अपना समय ले लीजिए, फिर अपन इसको शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, करें शुरू, देखते हैं। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं अपन लोग, यहाँ पर मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि हमेशा नंबर ऑफ मोल्स काउंट कर लेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है जी गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है अपने पास में, 1 × 10⁻³ - 3 डिवाइडेड बाय। हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम। तो आपके पास कितने मोल्स आ गए यहाँ पर, 10⁻³ - 3 मोल्स आ गए 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर में। एक क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन है, आप लोगों को क्या पता करना है, नंबर ऑफ एटम्स पता करना है। तो क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स का, गिवन नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन ए, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ - 3 एन ए, ये इसके दो आंसर हो जाएंगे, खत्म काम, सिंपल ही तो है। तो चलिए अगला करते हैं। नियॉन के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास, याद रखना गिवन मास हमेशा ग्राम्स में ही लिखना है, तो मैंने इसीलिए मिलीग्राम को किसमें कन्वर्ट किया था, ग्राम्स में। ठीक है आगे देखते हैं इधर। अब अपन को क्या करना है, इसका मास, तो नियॉन का मास कितना पढ़ के आए थे हम लोग, 20 पढ़ के आए थे, है ना, 20 ग्राम्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³ नंबर ऑफ मोल्स आने चाहिए। अब आपको आगे क्या पूछा है इसके अंदर में, नंबर ऑफ एटम्स पूछे, तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू में एम ए, ये इसके दो आंसर हो गए, बताइए है आसान। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फिर, अब है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 71 माइक्रोग्राम है, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, 71 × 10⁻⁶ इज द गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे कितने मोल्स आ जाएंगे, 2 × 10⁻⁶ मोल्स आपके पास में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है अगला क्वेश्चन, इसमें भी वही, वो तो बहुत ही सिंपल है कि जब भी नंबर ऑफ एटम्स पूछेगा तो वो कैसे करना है, नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, एन ए से मल्टीप्लाई करना है, आसान है। ठीक है अगला क्वेश्चन जो है आयरन के लिए आप लोग करेंगे। देखिए आयरन के लिए कैसे करने का है, वही गिवन मास अपॉन में, गिवन मास हो गया 22.4
डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन। मैंने कहा था कि जैसे जैसे यूज होते जाएंगे बता दूंगा। तो आयरन के लिए कितना होता है, उसका ग्राम एटॉमिक मास 56 ग्राम्स होता है। वन मोल आयरन का मास कितना होता है, 56। तो 56 से डिवाइड किया, अब बताइए जरा 56 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो सोच के बताइए जल्दी से कैलकुलेट करके कितना आ रहा है अपने पास में, है ना। यहाँ से इसको डेसिमल उड़ा देते हैं, ये हो गया 10। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 4, 4/10। 4/10 का मतलब हो गया 0.4 मोल्स आपके पास अवेलेबल होंगे, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको पूछा जाए नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स होंगे 0.4 Na। अब तो इसको अपन को पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये तो अपन कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं। इधर लिख देता हूँ कि 600 किलोग्राम्स ऑफ कार्बन में, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास, लेकिन हमेशा याद रखना है गिवन मास किस में होना चाहिए, ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हो गया 50। ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5 × 10^4, ये हो गया आपके नंबर ऑफ मोल्स। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास में नंबर ऑफ एटम्स का, तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, 5 × 10^4 Na इसका आंसर होना चाहिए। बताइए अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर लेंगे, है ना। तो देखिए मेरे हिसाब से यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। अब एक बहुत ही फैंटास्टिक सा क्वेश्चन करने वाले हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, कभी कभी अलग अलग स्टेट बोर्ड्स में पूछा गया है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था AI EEE, एक टाइम पहले इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम चलता था, उसका नाम है AI EEE, तो वहाँ चलता था। उसके बाद में मेडिकल में पूछा गया, अलग अलग स्टेट में पूछा गया है, तो वो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को करके। शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आप लोग के सामने लिखा हुआ है, अब अपन शुरू करते हैं। एक बार क्वेश्चन क्या है वो समझ लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि दो एटम है हमारे पास में ए और बी, और इनके मॉलिक्यूलर सॉरी इनके एटॉमिक मास, अपन को एटॉमिक वेट दे रखे हैं। केमिस्ट्री में आप लोग जानते हैं मास और वेट में कोई फर्क नहीं होता, फिजिक्स में आपके पास डिफरेंस है। एटॉमिक वेट लिखें या एटॉमिक मास लिखें, एक ही बात है। यूनिट देखते हैं एक बार, तो यूनिट लिखा हुआ है इनका ग्राम्स के अंदर में, तो इसका मतलब हुआ 1 मोल ए है और 1 मोल बी है, जिसका मास आप लोग को 20 × 40 ग्राम्स दे रखा है। यही तो हुआ ना इसका मतलब। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, और x ग्राम ऑफ ए में कितने एटम्स होते हैं भाई, y एटम्स होते हैं, ठीक है। और तो आपको पूछा गया है कि बताइए b के 2x ग्राम के अंदर में कितने एटम्स होंगे, ये अपन लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग बताइए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए टाइम है 1 मिनट और इसको सॉल्व करना है। जो फॉर्मूलेज लगाए हैं बस उन्हीं से ही सॉल्व करना है, एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, है ना। तो चलिए इसको कैसे डिस्कस करते हैं वो देखते हैं। अब अपन लोग क्या करते हैं, देखो कुछ नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है ना, तो देखो अपन लोग सब जानते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स का एक फॉर्मूला सीखा है अभी अपन लोगों ने। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एन, ये तो सीखा है अपन लोगों ने।
है ना। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स इंटू में आने का क्या मतलब है, नंबर ऑफ एटम्स के साथ साथ। तो देखिए मैं पहले एक बात कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, ए की बात करते हैं ए। अब देखो ए के लिए अगर अपन बोले तो ए का अपन के पास में क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। तो भाई फॉर्मूला देखो, अपन को नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाए, इसका क्या फॉर्मूला पढ़ा था, यही तो फॉर्मूला पढ़ा था राइट। तो अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। गिवन मास कितना है, एक्स ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 20 ग्राम्स इनटू में एन। बस यही तो ए के नंबर ऑफ एटम्स होंगे ना, किसमें, एक्स ग्राम के अंदर में, यही तो हुआ इसका मतलब ठीक है। और ये हमको किसके इक्वल दे रखा है, वाई ग्राम्स के इक्वल दे रखा है राइट ठीक है। तो अगर मैं इसी तरह से आप लोगों से पूछूं कि भाई नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी कैलकुलेट कर लो, तो कैसे करोगे भाई। अब देखो बी का गिवन मास डिवाइडेड बाय बी का ग्राम एटॉमिक मास, बी का ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 40 इंटू में एन। क्या करोगे देखो, इसको भी जब सॉल्व कर लोगे तो यहां पर भी तो वही टर्म आ गई जो ऊपर बन रही थी, तो यहां पर भी क्या आएगा, वाई ग्राम्स आएगा राइट। तो आपके पास जो क्वेश्चन पूछा है कि भाई 2x ग्राम ऑफ बी के अंदर में कितने हमारे पास में एटम्स होंगे, है ना, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो वो अपन को पता चल गया वाई होंगे यहाँ पर। सॉरी मैं एक चीज़ गलत लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये इसका यूनिट जो है वो ग्राम्स में नहीं आना चाहिए, क्योंकि नंबर है, नंबर थोड़ी कभी ग्राम्स में आ सकता है ना। आई होप ये चीज़ समझ में आया, बहुत एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को अभी तक की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई है तो आप लोग मान के चलिए कि ये सारा डेटा आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को वापस से देखिए, शुरू से देखिए, धीरे धीरे समझिए, तब आप लोग रोक रोक के समझिए कि भाई ये स्टेप मैंने बोला तो आपको समझ में आया या नहीं आया। देखिए समझिए, यहाँ तक की चीज़ें अपने क्लियर होनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपन लोग इस लेक्चर को आज फिनिश करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं अपन लोग, है ना। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि कोई 50 एटम है, किसी भी सब्सटेंस के हो सकते हैं ना, आपको सिर्फ यहाँ पे बस ये 50 एटम बोला है। किसी भी सब्सटेंस के 50 एटम्स का जो मास है, जो वेट है, वो 3000 AMU है। तो ये तो बात हम जानते हैं कि एटम का मास तो AMU में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स काउंट करो, किस में, 240 ग्राम्स ऑफ एलिमेंट में, उसी एलिमेंट के 240 ग्राम्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो आपको पता करना है। तो देखो एक बात बताओ जरा, पचास एटम का मास कितना है, 3000 AMU, यही तो हुआ। तो एक एटम का मास कितना होगा, 60 AMU। जरा ढंग से समझना, मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूं ये चीज। तो वन एटम का मास कितना होगा, 60 AMU होगा। बस यहीं पे हो गया हमारा क्वेश्चन, बहुत आसान है।
घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान काम है। देखो कैसे, एक एटम का मास कितना आ गया 60 mu। अब अपन सब जानते हैं, मान लीजिए कि ये एटम होगा कोई ए, है ना, कोई ए एलिमेंट है। अब अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पूछे तो क्या लिखना, 1 amu। अगर इसी हाइड्रोजन का gmm पूछ ले तो क्या लिखना, 1 gram, राइट। तो अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इस लाइन से ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 mole ऑफ एलिमेंट हैज मास 60 ग्राम। बताइए समझ में आता है क्या, एक एटम होता तो उसका मास किसमें होता, एएमयू में होता। अब एक एटम नहीं, जब भी हम ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो एक मोल की बात करते हैं, तो एक मोल का मास कितना होना चाहिए, वैल्यू तो उतनी की उतनी रहनी चाहिए, लेकिन उसको अपन को क्या करना चाहिए, ग्राम्स में रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, यहां तक हो गया। लेकिन देखिए क्वेश्चन अभी भी अपना इनकम्प्लीट ही है। क्वेश्चन में अपन से पूछा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। अब देखो मैंने आपको कहा था कि जब भी हम कभी फंस जाएं तो अपन हमेशा नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ एटम्स इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। गिवन मास कितना है हमारे पास में, 240 ग्राम्स है। इसका ग्राम एटॉमिक मास अभी अभी अपन ने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 60 ग्राम्स। तो यहां पर कितने मोल्स हो गए, 4 मोल्स हमारे पास इसका डेटा हो गया, राइट। अब ये तो हम जानते ही हैं नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना हो तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एन ए, यही अपन लोगों ने पढ़ा है, राइट। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए यहाँ पर, 4, और इधर आ जाएगा एन ए। अगर आपको इसको पूरा सॉल्व करने को बोला जाए तो पूरा कैसे सॉल्व करेंगे, 4 × 6 × 10^23, जिसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2.4 × 10^24 इसका आंसर। बताइए समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो आई होप अपन लोग यहाँ तक की चीज़ें कंप्लीट करते हैं। देखिए आज अपन लोगों ने क्या क्या सीखा, मोल क्या होता है, उसके बाद में एटम क्या होता है, एटम के साथ साथ एटॉमिक मास क्या होता है, है ना। अभी अपन लोगों ने एटम क्या होता है वो इतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके बारे में भी जानेंगे। तो फिलहाल देखिए एटॉमिक मास क्या, एटॉमिक मास यूनिट क्या, उसको ग्राम्स में कब रिप्रेजेंट करना है, कब एएमयू में रिप्रेजेंट करना है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, तो यहां तक अपन लोगों ने इसको कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, आज अपन ने बात की है एटम की, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अपन लोग मॉलिक्यूल की, कि मॉलिक्यूल क्या होता है, क्या फर्क होता है एटम और मॉलिक्यूल के अंदर में, मॉलिक्यूल आएगा तो कोई इसके फॉर्मूला में चेंज होगा क्या मोल कॉन्सेप्ट से, फिर अपन लोग थोड़ा थोड़ा और डीप में जाते जाएंगे और इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करते जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, लॉकडाउन का बहाना मत बनाइए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।